हल्द्वानी जा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है अब घाट की तरफ उनके पार्थिव शरीर को ले जाने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी गई है। एनडी तिवारी जो कि उत्तराखंड के कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, और अब उनके पार्थिव शरीर को घाट पे ले जाने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी गई है। 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था कि 2 बजे तक यहाँ पर ये पार्थिव शरीर रहेगा जिसके दर्शन लोग कर सकते थे, और इसके बाद अब उनके शरीर की भी ये अंतिम यात्रा, क्योंकि इसके बाद उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी और उनका जो शरीर है वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। बड़ी संख्या में लोग आज उन्हें देखने के लिए पहुंचे, लगातार पहुंचे, अलग अलग पार्टियों के नेता पहुंचे। हालांकि घाट पे जो इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर शिकायतें तमाम लोग जरूर करते हुए नजर आए, उनके समर्थक उनके प्रशंसक करते हुए नजर आए, और इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि जिस कद के नेता एनडी तिवारी हैं, जो राजनीतिक रसूख उनका रहा है, जिन जिन पदों को उन्होंने सुशोभित किया है, जो उत्तराखंड कांग्रेस के लिए उन्होंने किया, या जिस तरह से देश में अलग अलग पदों पर वो रहे, उसके बाद जो इंतजाम किए गए हैं वो शायद उस कद के नहीं है जिस कद की विदाई एनडी तिवारी को मिलनी चाहिए थी। ये बात उनके तमाम प्रशंसक जी मीडिया से बातचीत में कहते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, नारायण दत्त तिवारी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम, और इस नाम को समझना है, इस नाम के मायने आपको समझने, तो आप ये समझ लीजिए कि उनके वक्त के जो नेता थे, बीजेपी के नेता, अलग अलग नेताओं ने उन्हें अटल जी के समकक्ष एक बड़ा नेता बताया, ये बताया कि वो उस कद के नेता थे। आइए सुनते हैं जितन प्रसाद कुछ कह रहे हैं। क्या समझाते हैं? नहीं, हम तो बचपन से देखते आए हैं, और नरेंद्र जी का और मेरे पिताजी का तो बहुत साथ रहा, और इतना बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल और उत्तराखंड में तो पूरा था ही, और पूरे भारत में बहुत बड़ी क्षति है। इतना बड़ा व्यक्तित्व और विकास पुरुष के नाम से तिवारी जी जाने जाते थे, और जितना विकास उन्होंने किया है शायद ही आज के ज़माने में किसी ने इतना विकास करके दिखाया हो, और हम सब उन लोगों से ये प्रेरणा लेते हैं कि जो उन्होंने कार्य किया अपने राजनीतिक जीवन में, ये बहुत बड़ा योगदान था और बहुत बड़ी क्षति है। तो अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें ये हैं। अपने आखिरी सफर पर अब एनडी तिवारी का शरीर निकला है। हालांकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो योगदान उनका रहा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अलग अलग नेता उन्हें विकास पुरुष के तौर पर देख रहे हैं, और अब ये आखिरी सफर, एक ऐसा सफर जहां से उनका शरीर भी लौट नहीं पाएगा, पंच तत्वों में ये शरीर विलीन हो जाएगा। तमाम लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, ये आखिरी दर्शन है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ तस्वीरों में, उनके भाषणों में, उनकी बातों में उनके दर्शन हो पाएंगे। एनडी तिवारी की ये अंतिम यात्रा, नारायण दत्त तिवारी।